हिमाचल प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन HPVHA न्यू शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी शिमला के सहयोग से लक्षित हस्तक्षेप परियोजना का संचालन ज्वालाजी व आसपास के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की जा रही है। ज्वालाजी अस्पताल के समीप HPVHA के परियोजना कार्यालय की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को नए स्टाफ के लिए साक्षात्कार लिया गया, जिसमें HPVHA के सचिव केवल राम सिरांटा व BMO हॉस्पिटल ज्वालाजी का स्टाफ उपस्थित रहे। इस परियोजना के अंतर्गत लोगों को HIV एड्स के लक्षण व इसके बचाव के बारे में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जागरूक किया जाएगा तथा समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सचिव केवल राम सिरांटा ने दी है। नमस्कार, मैं केवल राम सिरांटा, सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन न्यू शिमला से। अभी हाल ही में ज्वालाजी क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा लक्षित हस्तक्षेप समूह के लिए हमें एक परियोजना यहाँ स्वीकृत की गई है, जिसके लिए अभी ये जो कार्य है यहाँ शुरू किया जा रहा है। और अभी हम इस कार्यक्रम को इस क्षेत्र में संचालित करने के लिए हमारा जो नया स्टाफ है उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। ये जो परियोजना है इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि HIV जो संक्रमण आज की डेट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एड्स जैसी जो भयंकर बीमारी है उसका रूप लेगा, तो उसके लिए हम लोगों को कैसे उससे बचा सकते हैं, तो उसके लिए उनके लिए जागरूकता शिविर गांव-गांव में जाके जागरूकता शिविर लगा करके और उन्हें प्रीकॉशन दे करके ताकि वो अपने जो इस जानलेवा बीमारी से वो बच सके, उसके लिए हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। और इस क्षेत्र में हम पूरा ये जो हमारा ज्वालाजी और देहरा ब्लॉक का जो कुछ एरिया है उस पूरे क्षेत्र में हम जो है ये कार्यक्रम का संचालन करेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।